पिछले कुछ दिनों से मारुति की विटारा ब्रेजा के कुछ स्पाई शॉट्स सामने आ रहे हैं, जिनमें इसका अपडेटेड फ्रंट बम्पर, हेडलैम्प्स और ग्रिल साफ दिखाई दे रहे हैं। मारुति की इस नई अपडेटेड विटारा ब्रेजा को ऑटो एक्सपो 2020 में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ खूबियों के बारे में जो इस नई अपडेटेड विटारा ब्रेजा में मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन की। सबसे पहले स्पाई शॉट्स में साफ है कि इसके डिज़ाइन में कुछ अपडेट किए गए हैं, जिनमें टर्न इंडिकेटर्स के साथ नए हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स यानी DRLs के साथ साफ दिखाई दे रहे हैं कि बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है। इसमें नई क्रोम लाइन पहले से काफ़ी ब्रॉड है। इसके अलावा फॉग लैम्प्स भी पहले से नए दिए गए हैं। रियर में टेल लैम्प्स का डिज़ाइन में कुछ ट्वीक्स के साथ बम्पर के सेंटर में फॉक्स किड प्लेट्स और किनारों पे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। साइड में अलॉय व्हील्स के अलावा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी में होगा वो होगा इसके इंजन में। अंडर द हुड इसमें नया BS6 पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जिसका साइज बढ़ाकर 1.5 लीटर हो सकता है। इसके अलावा माइल्ड हाइब्रिड की ऑप्शन भी इसमें आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि मारुति अपनी कार्स में डीजल की ऑप्शन 2020 अप्रैल से बंद कर रही है, तो इसमें फिलहाल डीजल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पर यहाँ हम आपको बताते चलें कि मारुति सुजुकी अपना BS6 डीजल इंजन डेवलप कर रही है। लेटर ऑन हो सकता है कि कभी इसके बारे में मारुति का प्लान हो, क्योंकि इंडिया के अंदर मारुति के डीजल व्हीकल्स की 20% मार्केट है। अपने 20% डीजल कस्टमर को ये गवाना नहीं चाहेगी। इसमें नया CNG का ऑप्शन आपको मिल सकता है। फीचर्स में नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील, LED हेडलैम्प्स, DRLs एटसेट्रा आपको मिलेंगे। बात करें इसकी कीमत की तो मारुति विटारा ब्रेजा का मार्केट में मुकाबला टाटा की नेक्सॉन, हुंडई की वेन्यू, फोर्ड की इको स्पोर्ट, महिंद्रा की XUV 300 और आने वाली किया की QYI जैसी कार से होगा। इसकी कीमत में बदलाव होने की उम्मीद कम है। मारुति पेट्रोल ब्रेजा को अपनी डीजल ब्रेजा की कीमत के आसपास लॉन्च कर सकती है, जो कि 7,60,000 से शुरू होकर 10.5 लाख तक जा सकती है। बाकी अधिक डिटेल के लिए दोस्तों हमें इसके लॉन्च होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको इससे क्या उम्मीद है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।